हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला राज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से जो आज का जो हमारा सेशन है वो है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपके लिए कंजक्शन डाला था, ठीक है। उसे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग भाई लोग जो नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एंड देखिए, फिर से मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये हमारा जो चैनल है इंग्लिश वाला राज के नाम से चैनल है, ठीक है। तो जो लोग नए नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज का जो हमारा सेशन है होने वाला है वो कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए फ्रेंड्स कि कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो बेसिकली चार टाइप्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप्स के होंगे? चार टाइप्स में आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो है कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। और टोटल कंडीशनल सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे फोर टाइप्स में। तो सबसे पहले क्या होगा? टाइप वन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप टू, टाइप थ्री एंड टाइप फोर, ठीक है। सॉरी, टाइप फोर नहीं, इसको हम लोग कहते हैं जीरो फॉर्मूला, कहने का मतलब, ठीक है। जीरो टाइप, यू कैन से दैट जीरो टाइप, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली आज का जो हमारा सेशन होगा वो ये चार टाइप्स के ऊपर होगा कंडीशनल सेंटेंस पर, ठीक है। और आई थिंक आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही हो तो आप लोग थम्सअप करके बताएंगे कि आवाज़ कैसी आ रही है, ठीक है। क्लियर है, नो डाउट यहाँ तक। तो चलिए आज हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। क्या होता है हमारा टाइप फोर? सबसे पहले हम लोग टाइप वन में चलेंगे और एक एक करके आप लोग सारे टाइप्स को नोट भी कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट वन है, हम लोग पार्ट टू तक में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस पार्ट वन है ये, एक पार्ट और चलेगा हमारा पार्ट टू और फिर कंडीशनल सेंटेंस हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप वन हमारा क्या कहता है? टाइप वन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स? आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। टाइप वन क्या कहता है कि फ्यूचर, ठीक है। टाइप वन क्या कहेगा हमारा? फ्यूचर कंसिक्वेंस ऑफ प्रेजेंट इवेंट, फ्यूचर कंसिक्वेंस ऑफ प्रेजेंट इवेंट, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि फ्यूचर कंसिक्वेंस ऑफ प्रेजेंट इवेंट, जो प्रेजेंट इवेंट को वर्तमान में जो घटनाएं होती है उसको हम लोग फ्यूचर कंसिक्वेंस के रूप में बताते हैं। टाइप वन हमारा क्या कहता है? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे मैं कहूँ इफ़, ठीक है, इफ़ यू स्टडी, ठीक है, इफ़ यू स्टडी वेल, यहाँ पे कॉमा देंगे, इफ़ यू स्टडी वेल यू विल क्लियर द एग्ज़ाम, इफ़ यू स्टडी वेल यू विल क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस आपको नज़र आ रहा होगा, क्या? एक तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस यहाँ तक, यहाँ तक कॉमा के पहले जो होता है हमारा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशनल क्लाउज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कंडीशनल क्लाउज, ठीक है। और ये जो हाफ सेंटेंस यहाँ तक है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेन क्लाउज के नाम से जानते हैं गाइस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? मेन क्लाउज। तो दो पार्ट में हमारा कोई भी कंडीशनल सेंटेंस जो डिवाइड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये वाला जो भाग होता है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग डिफाइन करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये जो हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिवाइड होता है जिसको हम लोग मेन क्लॉज के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जो हमारा टाइप वन में क्या है, फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ आप लोगों का। टाइप वन में फ्यूचर कंसिक्वेंस ऑफ प्रेजेंट इवेंट, ठीक है, जिसमें से इफ़ यू स्टडी वेल यू विल क्लियर द एग्ज़ाम, कहने का मतलब क्या हुआ डियर,
कि इफ़ यू स्टडी वेल, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, यू विल क्लियर द एग्ज़ाम, तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे गाइस, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर देखिए, एक रूल हमारा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दो सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में जाए, अगर कंडीशनल क्लाउज का दो सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में जाए, तो जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का जो फर्स्ट आपका सेंटेंस होगा, जिससे हम लोग कंडीशनल क्लाउज के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में डिफाइन करेंगे, और जो मेन क्लाउज होगा हमारा, उसे हम लोग फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस सेंटेंस को क्लियर करके बताएं या फिर सही करके बताएं, तो उसका क्या होगा आंसर, आप लोग बताएंगे फटाफट। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है, जैसे अगर मैं बताऊं इसको, अगर सही करूं तो क्या होगा, इफ़ यू स्टडी वेल, ठीक है, यू विल क्लियर द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, बिल्कुल सही, ठीक है। और ये सेंटेंस हमारा क्या चीज़ है, सिंपल फ्यूचर में, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, जब कोई कंडीशनल सेंटेंस में हमारा दो सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में जाता है, तो फर्स्ट सेंटेंस जो पहला इवेंट होगा, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे, और जो लास्ट वाला इवेंट होगा, उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है गाइस, यहाँ तक तो आप लोग फटाफट इसे नोट करेंगे, और मैं फिर आगे बताऊँगा एक और सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। या फिर एक और सेंटेंस एग्जाम्पल दूँ मैं, तो आप लोग कह सकते हैं, जैसे आप देखेंगे, इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग आउट नाउ, यू विल डेफिनेटली बी फिट, ठीक है, यू विल डेफिनेटली बी फिट, ठीक है। सेंटेंस समझ में आया आप लोगों का, देखिए, इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग आउट नाउ, ये वाला सेंटेंस फिर से हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट, और ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, फ्यूचर, ठीक है। क्लियर है गाइस, तो यहाँ तक आप लोग फटाफट नोट करेंगे, और फिर मैं चलूँगा आगे की क्लास में। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे फ्रेंड्स, ठीक है माय डियर। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं टाइप टू के ऊपर, ठीक है। तो टाइप वन क्लियर है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे मेरे दोस्त। तो टाइप टू क्या कहता है, हम लोग देखेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा और रूल होने वाला है हमारा। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथेटिकल, क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल, या फिर हम लोग इसको कहेंगे इमेजिनरी, ठीक है फ्रेंड्स, इमेजिनरी, ठीक, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इमेजिनरी, क्लियर है। इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल मींस बना बनाया सेंटेंस, कहने का मतलब जो हम लोग इमेजिन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अभी आप लोग को समझाता हूँ, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ इंडिया, I would make education free for all, ठीक है। तो देखिए, इसका हिंदी क्या हुआ, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड मेक एजुकेशन फ्री फॉर ऑल, मीन्स वाट। सबसे पहले देखेंगे आप लोग कि हमारा जो कॉमा के इधर है और कॉमा के बाद है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे,
ठीक है, कंडीशनल क्लाउज के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कंडीशनल क्लाउज, इसके पहले मैंने बताया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मेन क्लाउज। ठीक है फ्रेंड्स, मेन क्लाउज के नाम से जानते हैं। तो कंडीशनल क्लाउज जो होता है हमारा हाइपोथेटिकल केस में, वो बनता है हमारा पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में। ठीक है, और मेन क्लाउज जो हमारा होता है वो बनता है हमारा वुड प्लस वी वन। ठीक है, तो रूल हमारा इतना ही चीज़ है, इसी को आपको ध्यान दिमाग में रखना है कि जब सेंटेंस हमारा हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी हो, ठीक है, तो हम लोग का जो कंडीशनल क्लॉज होगा वो पास्ट टेंस में बनेगा, और जो मेन क्लॉज होगा वो वुड प्लस वी वन के रूप में कन्वर्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है और कैसे वो बनता है। क्या कहता है, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, दैट इज़ क्या, इमेजिनरी सेंटेंस, सिर्फ सोचने की बात है और कुछ नहीं। हम लोग बस ऐसा सोचते हैं, काश मैं राजा होता, ठीक है, अगर मैं ये होता तो वो करता। ठीक है, कहने का मतलब, अगर मैं एक राजा होता तो आपके सारी इच्छाओं को मैं पूरा कर देता, बट हूँ नहीं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इमेजिनरी है, सिर्फ इमेजिन है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर कोई इमेजिनरी सेंटेंस होगा तो एक मुख्य बातें आप लोग याद रखेंगे कि अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा इमेजिनरी सेंटेंस में, अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमारा ऑलवेज क्या लेगा, वर लेगा। क्या लेगा फ्रेंड्स, वर। अगर काश वह राजा होता तो इफ़ ही वर अ किंग। अब कहेंगे आप लोग, सर कि ही के साथ तो वर तो नहीं लगता है, यही तो फंडा है फ्रेंड्स कि अगर ही के साथ वर नहीं लगता है, बट ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें हम लोग हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी केस में ही के साथ या वी के साथ, मतलब कोई भी हमारा क्या हो, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम लोग वर का यूज करते ही करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड मेक एजुकेशन फ्री फॉर ऑल, तो मैं एजुकेशन को सारे लोगों के लिए क्या कर देता, फ्री कर देता। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से होगा, और फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे कि जो कंडीशनल क्लाउज होता है वो पास्ट टेंस में बनता है, और जो मेन क्लाउज होता है वो वुड प्लस वी वन के केस में हमारा बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो फटाफट इसको नोट करेंगे और एक सेंटेंस और मैं देकर आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, जैसे कि एक सेंटेंस और मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, इफ़ आई वर इन लंडन, अगर मैं लंदन में होता, ठीक है, अगर मैं लंदन में होता, आई वुड बी, ठीक है, आई वुड बी चिलिंग राइट नाउ, तो अभी मैं क्या कर रहा होता, अगर मैं अभी लंदन में होता तो अभी मैं, आई वुड बी चिलिंग राइट नाउ, ठीक है, तो मैं इंजॉय वगैरह कर रहा होता। ठीक है, तो सिर्फ इमेजिनरी वाली बातें हैं, अगर मैं लंदन में होता तो। ठीक, यहाँ से यहाँ तक वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लाउज, और कंडीशनल क्लाउज जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, पास्ट टाइम में। ठीक है, पास्ट टाइम में होता है हमारा या फिर पास्ट टेंस में होता है, और इस वाले सेंटेंस को हम लोग कहते हैं क्या जी, मेन क्लाउज। क्या कहते हैं, मेन क्लाउज, और मेन क्लाउज हमारा क्या बनता है फ्रेंड्स, WOULD, वुड प्लस वी वन। बस सेंटेंस आपका इतना ही क्लियर करना है। ठीक है गाइस, आप लोग फटाफट इसे नोट करेंगे और फिर मैं चलूँगा टाइप थर्ड के ऊपर। तो डियर, हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में टाइप वन और टाइप टू क्लियर कर चुके हैं, और अब हम लोग करेंगे टाइप थ्री के ऊपर। टाइप थ्री क्या कहता है, टाइप थ्री जो हमारा सेंटेंस है वो है रिग्रेट। ठीक है, रिग्रेट क्या बोलेंगे हम लोग इसको, रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पछताना। ठीक है, रिग्रेट का मतलब पछताना, ये वाले सेंटेंस इस प्रकार से जो बनते हैं कंडीशनल में, रिग्रेट के ऊपर हमारा टाइप थर्ड है। कैसे, ठीक है, आप लोग देखें, एक एग्जांपल मैं देता हूं आप लोग को ऊपर। इफ यू हैड, इफ यू हैड स्टडीड, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड,
इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव क्लियर्ड, ठीक है, यू वुड हैव, यू वुड हैव क्लियर्ड टायर वन, यू वुड हैव क्लियर्ड टायर वन, ठीक है फ्रेंड्स, यू वुड हैव क्लियर्ड टायर वन एग्ज़ाम कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसा कि, तो गाइस देखिए फिर से, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये वाले सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन क्लॉज। आप लोग साथ साथ मेरे साथ आप लोग भी रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, जिससे लगेगा कि मैं हूबहू आपके साथ या फिर आपके पास बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से वही बात, ये वाले सेंटेंस जो हमारे कंडीशनल क्लॉज, रिग्रेट वाले फीलिंग्स में हमारे क्या होगा, क्या कहता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा फ्रेंड्स, ठीक है, इसे याद रखना है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और ये वाले सेंटेंस में हम लोग को क्या करना है, वुड, ठीक है, वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री, ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग को ध्यान में रख लेना है, इसे आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। रिग्रेट वाले फीलिंग्स में कंडीशनल क्लॉज में हम लोग का टाइप थर्ड क्या कहता है कि इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, इसका मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि अगर आप कड़ी मेहनत किए होते, ठीक है, अगर आप कड़ी मेहनत किए होते, यू वुड हैव क्लियर टायर वन, तो आप टायर वन क्लियर कर चुके होते। दैट मीन्स वॉट, ये पास्ट में रिग्रेटिंग वाली फील्स है कि अगर मैं कड़ी मेहनत और किया होता तो काश आज मेरा टायर वन निकल जाता, ठीक है, और मैं टायर टू की तैयारी कर किया होता, ठीक है। तो उस प्रकार से वैसे वाले सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, हैड प्लस वी थ्री और वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री के फॉर्म में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आप लोग बताएंगे कि वो सेंटेंस हमारा सही है या गलत, इस प्रकार से भी हम लोग बनाते हैं उसको। एक मिनट, अगर नेगेटिव में बनाना हो, इंटरगेटिव में बनाना हो, तो हैड इट नॉट, हैड इट नॉट रेंड टुडे, रेंड टुडे, ठीक है, आई वुड हैव गोन आउट, आई वुड हैव गोन आउट, आई वुड हैव गोन आउट टू प्ले, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, इफ आई नॉट हैड रेंड, इफ इट नॉट, इफ इट नॉट हैड रेंड, इफ इट हैड नॉट रेंड, आई वुड हैव, आई वुड हैव, आई वुड हैव गॉन आउट टू प्ले, बताइए, आई वुड हैव गॉन आउट टू प्ले, बताइए दोनों सेंटेंस में कौन सा एरर है और कौन सा गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, कहने का मतलब यह है कि दोनों सेंटेंस हमारा एब्सोल्युटली क्या है, राइट है, ठीक है। हम लोग इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, इफ, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, इफ इट नॉट हैड रेंड, इफ इट नॉट हैड रेंड टुडे, यहाँ पे टुडे छूट गया फ्रेंड्स, अगर आज बारिश नहीं हुई होती, क्या होगा, अगर आज बारिश नहीं हुई होती, आई वुड हैव गोन आउट टू प्ले, तो मैं बाहर खेलने गया होता, हैड इट नॉट रेंड टुडे, अगर आज बारिश नहीं हुई होती, ठीक है, आई वुड हैव गोन आउट टू प्ले, तो मैं बाहर गया होता, किस लिए, खेलने के लिए। तो दोनों सेंटेंस हमारा एब्सोल्युटली राइट है फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर है। हम लोग सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, नो डाउट यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को
शेयर करके जाएं और वहाँ पे लाइक बटन होगा उसको दबा कर जाएं, रेड रेड जो होगा उसको सब्सक्राइब कर ले, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे फोर के ऊपर। देखिए तो हमारा क्या कहता है, आप लोग देखेंगे, हैड हैड यू स्टडीड, हैड यू स्टडीड हार्ड, मतलब इस सेंटेंस को देखिए, ये वाले सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, हैड यू स्टडीड हार्ड, ठीक है, यू वुड हैव क्लियर्ड, यू वुड हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम, ठीक है, सेम केस। तो हम लोग ये वाले सेंटेंस को जस्ट उठा के हम लोग ऐसे भी डील कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, जैसे कि मैं अभी बताया, नो डाउट, ठीक है। हैड यू स्टडीड हार्ड, अगर आप, ठीक है, हैड यू स्टडीड हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत किए होते, यू वुड हैव क्लियर द एग्ज़ाम, तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके होते, ठीक है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा जो रूल होगा वो टाइप फोर, या कह सकते हैं हम लोग इसको जीरो टाइप, इसको नोट कीजिए फटाफट और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलेंगे। गाइस तो हम लोग टाइप थ्री तक पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट हमारा टाइप है जीरो टाइप के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जीरो टाइप यू कैन से दैट, ठीक है। और ये आज का हमारा लास्ट टाइप है कंडीशनल सेंटेंस का, और कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सारे कंडीशनल का जितना भी रूल्स है वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए जीरो टाइप हमारा क्या कहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं हम लोग इसको, यूनिवर्सल ट्रूथ, फर्स्ट केस याद रखना है आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर साइंटिफिक, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं साइंटिफिक या फिर फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स एटसेट्रा, ठीक है। या फिर जीरो टाइप में हमारा क्या होगा, कुछ बातें ऐसी होती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या फिर साइंटिफिक कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे इफ़ यू, ठीक है, इफ़ यू हीट वाटर इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री, ठीक है, एट 100 डिग्रीज, उसके बाद इट बॉइल्स, क्या हुआ फ्रेंड्स, फिर से वही चीज, ठीक है, हमारा फिर से वही चीज जो कॉमा के पहले, इससे हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज, ठीक है, और जो कॉमा के बाद वाले सेंटेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन क्लॉज, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो बेसिकली दो भाग में बढ़ता है, एक वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज, ठीक है। तो कंडीशनल क्लॉज के ऊपर जो हमारा सेंटेंस बनता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है, क्या बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और जो हमारा मेन क्लॉज जो बनता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये भी बनता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये भी बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्लियर है, नो डाउट यहाँ तक। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं, कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा होता ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज, अगर आप पानी को 100 डिग्रीज पर गर्म करते हैं तो इट बॉइल्स, तो वो क्या होता है, तब ही बॉइल्स होता है। जब तक हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाएगा, गर्म अगर नहीं होगा, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म नहीं करेंगे, पानी उबलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इट बॉइल्स, तभी वो बॉइल्स होता है। तो क्या है, ये कहने के लिए हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा होता ही होता है,
तो इसी केस में हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर साइंटिफिक कोई फैक्ट्स हो, ये जो क्लियर तौर पे ये बिल्कुल सही है, तो उस केस में हम लोग का ये वाले सेंटेंस यूज करते हैं। दोनों सेंटेंस हमारा क्या चीज में होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और लिखते हैं उसी पर। देखो, व्हेन द सन, ठीक है, व्हेन द सन कम्स अप, व्हेन द सन कम्स अप इट बिकम्स, इट बिकम्स ब्राइट। मतलब क्या हुआ, व्हेन द सन कम्स अप, जब सूर्य उगता है या फिर जब सूर्य आता है, अप मीन्स जब सूर्य उगता है, इट बिकम्स ब्राइट, तो पूरी उजाली, पूरा उजाला फैल जाता है। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये वाला भी सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। जब तक सूर्य उगेगा नहीं, पूरी तरीके से ब्राइट कहाँ से होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो हम लोग आज, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस पूरी तरीके से, पूरे टाइप्स को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड 0 टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हमारा ये पूरा स्लाइड ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस, जो मुख्य बातें ये चार चीज़ें थी, चार टाइप्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, और बिल्कुल रिविज़न करना है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो लोग, जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ताकि ये हमारा जो मोटिव ये है कि मैं ये कंटेंट, जो हमारा कंटेंट है, वो वैसे बच्चों तक पहुँचे जो रूरल सेक्टर से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जिनका कोई साधन नहीं है पढ़ाई का, और वो इंग्लिश में मतलब कुछ करने का अच्छा सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, दैट मीन्स कर रहे हैं इनिशियल तरीके से, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए ये परफेक्ट है। SSC, CHSL, CDS, बैंक, जो भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश सेक्टर आता है, जिससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, वो सारे कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है, आप लोग वहाँ पर सारे प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, उसमें बहुत ही बेहतर कंटेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट की क्लास में, कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 2। तब तक के लिए इतना ही, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड।